हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2, प्लांट गिव अस मीन्स प्लांट क्या देता है, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। कल आपने पढ़ा था प्लांट गिव अस फूड ग्रेन, प्लांट गिव अस सीरियल, प्लांट गिव अस पल्सेस, प्लांट गिव अस फाइबर एंड प्लांट गिव अस ओट। ओके, तो आज हम देखेंगे कि प्लांट गिव अस ऑयल, प्लांट और क्या देता है, ऑयल देता है मीन्स तेल देता है। सीड नट्स एंड फ्रूट्स गिव अस ऑयल, हमें जो ऑयल जो मिलता है कहाँ, सीड से मिलता है, नट से मिलता है एंड फ्रूट से मिलता है। वी कुक फूड इन ऑयल, और हम इस तेल से जो है खाना बनाते हैं। वी यूज ऑयल टू द मेक सॉप एंड शैम्पू, ऑयल से जो है साबुन और शैम्पू भी बनाया जाता है। विच कुकिंग ऑयल इज यूज इन योर होम, आपके घर में कौन सा ऑयल जो है खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो कौन सा ऑयल होता है, क्या आप राइट करोगे यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ऑयल इज यूज इन द कुकिंग, ऑयल का यूज भोजन बनाने में। ऑयल इज यूज टू द मेक शैम्पू एंड सॉप, ऑयल का जो यूज होता है शैम्पू और साबुन बनाने में किया जाता है। प्लांट गिव अस पेपर गम एंड रबर, प्लांट का यूज जो है पेपर गम और रबर बनाने में भी किया जाता है। पेपर इज मेड फ्राम द बम्बू, पेपर किससे बनता है, बम्बू के प्लांट से बनता है। रबर इज मेड फ्राम द जूस ऑफ द रबर ट्री, और जो रबर बनाए जाते हैं वो रबर ट्री के जूस से बनाए जाते हैं। गम इज मेड फ्राम द जूस ऑफ द केकर ट्री, और जो गम बनाए जाते हैं वो केकर ट्री के जो है केकर ट्री के जूस से जो है गम बनाए जाते हैं, मीन जो चिपकाए जाते हैं वो किस ट्री से बनते हैं, केकर ट्री। ओके, एंड बम्बू जो होता है उससे जो है पेपर बनाया जाता है, और रबर से जो बनाया जाता है वो क्या बना, रबर किस प्लांट से बनाया जाता है, रबर प्लांट से बनाया जाता है। पेपर इज मेड फ्राम द बम्बू, ओके, पेपर इज मेड फ्राम द बम्बू मीन्स पेपर किससे बनाया जा रहा है, बम्बू से बनाया जा रहा है, बम्बू मीन्स बांस होता है। रबर इज मेड फ्राम द जूस ऑफ द रबर ट्री, रबर किससे बनाया जाता है, जूस ऑफ जो रबर का जूस होता है उससे रबर बनाए जाते हैं, और उस रबर से टायर बनाए जाते हैं। गम इज मेड फ्राम द जूस ऑफ द केकर ट्री, गम किससे बनता है, केकर ट्री से गम बनाए जाते हैं। प्लांट गिव अस मेडिसिन, प्लांट और क्या देता है, मेडिसिन देता है मीन्स दवा। प्लांट गिव अस मेडिसिन लाइक द क्विनिन एंड पेनिसिलिन से जो है मेडिसिन मिलता है। तुलसी लीफ आर यूज टू द क्योर कोल्ड एंड कफ, तुलसी का जो पत्ती जब खांसी और जुकाम होता है तो उसके बाद चाय में डाल करके उसका यूज किया जाता है। सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट लाइक द आंवला, कुछ प्लांट के पार्ट जैसे आंवला हो गया, हल्दी हो गया एंड एलोवेरा हो गया, टू आर यूज एंड मेडिसिन, कुछ प्लांट के पार्ट भी यूज किए जाते हैं क्या बनाने में, मेडिसिन बनाने में, जैसे आंवला हो गया, हल्दी हो गया और एलोवेरा हो गया। नेक्स्ट पेज, वी गेट मेडिसिन फ्रॉम द सम प्लांट्स, नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस, इनसे क्या मिलता है आपको, मेडिसिन मिलता है, नीम से मिलता है, तुलसी से मिलता है और यूकेलिप्टस से मिलता है। प्लांट गिव अस काफ़ी टी एंड शुगर, प्लांट से क्या मिलता है, काफ़ी मिलता है, टी मिलता है और शुगर मिलता है मीन्स चीनी। वी ड्रिंक काफ़ी एंड टी, हम चाय और काफ़ी पीते हैं। वी यूज शुगर इन द मेकिंग स्वीट, हम शुगर का यूज जो है मिठाई बनाने के लिए करते हैं और आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं। शुगर मीन्स चीनी जो है हम उससे मिठाई बनाते हैं और आइसक्रीम बनाया जाता है, काफ़ी टी शुगर केन। वी गेट काफ़ी टी एंड शुगर फ्रॉम सम प्लांट, हमें काफ़ी टी और शुगर कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। काफ़ी, वी गेट काफ़ी फ्रॉम द काफ़ी प्लांट एंड वी गेट टी फ्रॉम द टी प्लांट एंड वी गेट शुगर फ्रॉम द शुगर केन मीन्स गन्ना। प्लांट गिव अस परफ्यूम, प्लांट्स और क्या देता है, परफ्यूम देता है, जो सेंट होते हैं। सम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर लाइक द रोज एंड जासमीन गिव अस परफ्यूम, जैसे रोज हो गया, जासमीन हो गया, ठीक है, इससे क्या बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं, स्प्रे, जो बॉडी स्प्रे होता है वो बनाए जाते हैं किससे, फ्लावर से। ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, प्लांट जो होते हैं हमारे एयर को क्लीन करते हैं और फ्रेश करते हैं। दे मेक आवर होम्स लुक द ब्यूटीफुल, वे हमारे घर को जो है सुंदर बनाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, सुंदर मीन्स अच्छा बनाते हैं, प्लेंटी बनाते हैं, कौन, प्लांट्स। सम मोर यूजेज ऑफ द प्लांट्स, कुछ और प्लांट का यूज होता है, जैसे प्लांट क्लीन द एयर एंड कीप इट फ्रेश, प्लांट जो है एयर को क्लीन करते हैं और एयर को फ्रेश रखते हैं। ट्री एंड प्लांट्स मेक आवर होम लुक द ब्यूटीफुल, ट्री मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वे हमारे घर को जो है अच्छा हरा भरा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। वी शुड ग्रो ट्री नियर आवर हाउस, हमें अपने घर के चारों ओर जो है पेड़ लगाने चाहिए। वी कैन कलेक्ट फॉलन फ्लावर, हमें जो है जो फॉलन फ्लावर जो टूटे फ्लावर होते हैं उसको कलेक्ट करना चाहिए एंड लीफ को कलेक्ट करना चाहिए, टू इन फ्लावर वेस्ट में मीन्स गमले में।
वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर आर लीव्स, हमें पेड़ों की पत्तियां और पेड़ों के जो फूल नहीं जो है तोड़ने चाहिए। अ ग्रीन वर्ड इज ए ब्यूटीफुल वर्ड, अगर ग्रीन वर्ड क्या होगा, अगर ग्रीन वर्ड इज ए ब्यूटीफुल वर्ड, ग्रीन वर्ड हरा संसार तो भी सुंदर संसार। ओके, लेट अस से इट अगेन, वी गेट फूड सच एज फ्रूट्स, वी गेट फूड सच एज फ्रूट वेजिटेबल एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट, हमें जो है फ्रूट्स कहाँ से मिलता है, फूड कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल कहाँ से मिलता है, फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। वी गेट फाइबर सच एज काटन एंड जूट फ्रॉम द प्लांट, हमें फाइबर जैसे काटन और जूट कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट गिव अस सूट, प्लांट से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलता है, पेपर मिलता है, गम मिलता है, रबर मिलता है। प्लांट गिव अस आयल, आयल मिलता है, मेडिसिन मिलता है एंड परफ्यूम मिलता है। प्लांट क्लीन द एयर एंड कीप इट फ्रेश, प्लांट एयर को क्लीन करता है और फ्रेश करता है, ताज़ा रखता है। एंड वी शुड नॉट प्लक फ्लावर आर लीव्स, हमें पेड़ों की पत्तियाँ और पेड़ों के जो है फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।